श्री जी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज से आपका एनुअल का रिवीजन स्टार्ट होगा। आपको वर्क करने से पहले वन पेज पर रिवीजन डालना है। इस तरीके से आप रिवीजन डालेंगे। अब अपडेट डालें। अपडेट डालने के लिए आप प्लान खींचेंगे 1-3-21 CEW उसके नीचे लाइन खींचेंगे। हैंड डालने के लिए आपको कैपिटल यू बनाना है। एस ई इसको पढ़ेंगे यूज, इस पर छोड़ेंगे या लिखेंगे ओ एफ ऑफ, इस पर छोड़ेंगे या लिखेंगे आप दिस, इसको पढ़ेंगे दिस। तिरछी लाइन खींचेंगे या लिखेंगे आप डेट, टी एच ए टी, इसको पढ़ेंगे डेट। ये आपके हैंडल है, इसको कहेंगे यूज ऑफ दिस डेट। आप नंबर डालेंगे 1-2-3-4-5-6। अब आपको पिक्चर बनानी है, यहाँ बनाएंगे आप एग की पिक्चर, एग मिस अंडा। अब आपको ब्लैक लाइन लाइन खींचनी है, यहाँ लिखेंगे आप आई एस इज, इस पर छोड़ेंगे स्मॉल ए एन, इसको पढ़ेंगे एन, इस पर छोड़ेंगे या लिखेंगे आप स्मॉल ई स्मॉल डबल जी, इसको पढ़ेंगे एग, यहाँ लगाएंगे आप फुल स्टॉप। आपको ब्लैक लाइन लाइन खींचनी है, यहाँ लिखेंगे आप एच आई एस एच, इस पर छोड़ेंगे स्मॉल ए, इस पर छोड़ कर लिखेंगे आप काइट की स्पेलिंग के आई टी ई, काइट काइट में पतंग। यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना। अब आपको यहाँ पर काइट बनानी है, के फॉर काइट। यहाँ पर आपको कैट की पिक्चर बनानी है, सी फॉर कैट। पहले आप सर्कल बनाएंगे, टू सर्कल बनाएंगे, फिर आपको सर्कल बनाना है, फिर आपको इस तरह से करना है, फिर आपको इस तरह से करना है। ये बन गई आपके सी फॉर कैट। इसके अंदर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ब्लैक लाइन लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे आप इज ए कैट सी ए टी कैट, यहाँ लगाएंगे आप फुल स्टॉप। ब्लैक लाइन लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे आप इज ए टब टी यू बी टब, यहाँ लगाएंगे आप फुल स्टॉप। आपको टब के पिक्चर बनानी है इस तरीके से, ये बन गए आपके टब की पिक्चर। अब आप मैंगो की पिक्चर बनाएंगे नीचे के लाइन में, इस तरीके से ब्लैक लाइन लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे आप इज ए मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो मैंगो मिस आम, यहाँ लगाएंगे आप फुल स्टॉप। अब आप नीचे के लाइन में ब्लैक लाइन में लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे इज एन ए एन एन, यहाँ लिखेंगे आप अम्ब्रेला के स्पेलिंग, इस पर छोड़कर यू एम बी आर ई डबल एल ए, इसको पढ़ेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में छाता, यहाँ लगाएंगे आप फुल स्टॉप। अम्ब्रेला की पिक्चर बनानी है आपको इस तरीके से। ये आपके अम्ब्रेला की पिक्चर बन गई। ये वर्क आपको करना कैसे हम आपको बता रहे हैं। आपको यूज ऑफ दिस डैट दिस लगाते हैं पास के लिए और डैट लगाते हैं दूर के लिए। एक क्या हमारे पास है तो यहाँ लगाएंगे दिस, ये वाले स्पेलिंग लिखेंगे टी एच आई एस, दिस इज एन एग। इसमें देखेंगे आप काइट हमारे दूर है तो यहाँ लगाएंगे आप डैट टी एच ए
किटी डैट इज ए काइट. कैट क्या पास में है तो यहाँ लगाएंगे आप दिस. टी एच आई एस दिस इज ए कैट. अब आपको इसमें देखना है टब दूर है यहाँ लगाएंगे आप डैट. टी एच ए टी डैट इज ए टब. मैंगो क्या पास में है तो यहाँ लगाएंगे हम दिस. टी एच आई एस दिस इज ए मैंगो. अब आपको देखना है अम्ब्रेला दूर है तो यहाँ लगाएंगे आप डैट. टी एच ए टी डैट इज एन अम्ब्रेला. ये आपका सी डब्ल्यू का वर्ग हो गया. अब आप हमक ले डेट डालें. डेट डालने के लिए आप लाइन खींचेंगे. आपको इस तरीके से डेट डालनी है हमक लिए, फिर यहाँ डालेंगे एच डब्ल्यू. फिर आपको जिस तरीके से आपने सी डब्ल्यू में हैंड डालनी थी उसी तरह से आपको हमक में डालनी है यूज ऑफ दिस डैट. उसी तरह से आपको ये पकड़ना है. आप पहले आप नंबर डालेंगे इस तरीके से, फिर आपको पिक्चर बनानी है. इस तरह से आप लाइन खींचेंगे, फिर आपको इस तरीके से ये लिखना है. फिर आपको लाइन खींचनी है इज ए टब. यहाँ आपको टब की पिक्चर ही बनानी है. कैट की पिक्चर है, लाइन खींचेंगे इज ए कैट. फुल स्टॉप बोलते हैं इसको. ब्लैक लाइन लाइन खींचेंगे इज ए काइट. फिर आपको काइट की पिक्चर बनानी है. फिर आपको मैंगो की पिक्चर बनानी है नीचे की लाइन में. ब्लैक लाइन लाइन खींचेंगे इज ए मैंगो. फुल स्टॉप लगाएंगे. ब्लैक लाइन लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे इज एन अम्ब्रेला. फुल स्टॉप लगाएंगे. फिर आपको अम्ब्रेला की पिक्चर बनानी है जिस तरह से आपने सी डब्ल्यू में बरकरार उसी तरह से आपको हमबक में करना है.